हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उनीस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन फ्लोट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो घबराने की बात नहीं है और पूरे पेशेंस से सारे फंक्शंस को पढ़ना है, और पढ़ना ही है। कोई चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं होने वाला। सीधी सी बात मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो फ्लोट फंक्शन के बारे में चलिए शुरू करते हैं। आखिर फ्लोट फंक्शन होता क्या है? तो इंट फंक्शन से आपको पता है इंटीजर में कन्वर्ट होता है, तो फ्लोट फंक्शन देखते हैं क्या करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, इसके पहले मैंने बताया था कि इंट से आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट कराना है। जैसे मैं इस एज को यहाँ से डिलीट करता हूँ, और इसको मान लीजिए मैंने कुछ रख दिया, जैसे पाई। पाई का वैल्यू मान लीजिए मुझे किसी से इंटर करवाना है, तो ये चेक करना है कि पाई का वैल्यू, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम आप बना रहे हो जिससे आपको चेक करना है कि यूजर को पाई का वैल्यू पता है या नहीं। तो मैंने क्या किया, इसे अगर इनपुट रखा तो सिर्फ स्ट्रिंग में आएगा, लेकिन स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे फ्लोट चाहिए। अच्छा, इंट में रखता हूँ तब देखिए मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ठीक है? मैंने इसको रन किया, और रन करके मुझे जहाँ तक पता है पाई की वैल्यू जो 3.14, मुझे यार इतना ही पता है, ठीक है? आपको अगर ज़्यादा पता है तो आप उससे ज़्यादा इंटर कर लेना, ठीक है? तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। मतलब ये बेस 10 क्या है, छोड़िए, बेस 10 जो है एक्चुअली डेसिमल को कहते हैं, ठीक है? तो वो एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस है, पाइथन का वो चीज़ नहीं है। तो इंट से जो है आप 3.14 नहीं ले सकते। अच्छा, मैं अगर थ्री थ्री इनपुट कराता हूँ तब क्या होगा? देखिए, मैंने थ्री अगर इनपुट कराया तो थ्री आसानी से ले रहा है। तो मतलब ये कि आप पॉइंट वाली चीज़ इसमें इनपुट नहीं करा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल यहाँ लिखना होगा फ्लोट। आपको सिंपल यहाँ क्या लिखना होगा, फ्लोट। मैंने यहाँ फ्लोट लिख दिया, तो ये यार हो गया फ्लोट मैंने लिखा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री पहले इनपुट कर रहा हूँ, तो देखिए 3.0। मतलब फ्लोट में अगर आप इंट लेंगे तो वो इनपुट ले लेगा, लेकिन आप इंट में अगर फ्लोट लोगे तो वो इनपुट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा है फ्लोट, बड़ा है तो उसमें इंटीजर भी उसके अंदर है और फ्लोट भी अंदर है, मतलब इंटीजर प्लस डेसिमल इज इक्वल टू फ्लोट। लेकिन इंटीजर में क्या है, ओनली इंटीजर, डेसिमल नहीं है, तो इसलिए उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। अब मैं डालता हूँ 3.14, इंटर ईयर एज ही है यहाँ पे मुझे करना चाहिए। देखिए 3.14 एक्चुअली प्रिंट हो गया, इंटर द वैल्यू ऑफ पाई, मुझे यहाँ पे ये आउटपुट देना चाहिए। आउटपुट तो आप चेंज कर सकते हो, इंटर द वैल्यू ऑफ पाई, इंटर द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है? तो ये यार पूरा का पूरा खेल है। अब फ्लोट जो है एक्चुअली फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3.14 जो भी है इसके आगे आप डालिए, देखिए ये पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, ठीक है? फिर से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, और थ्री पॉइंट मैंने एक बहुत बड़ा नंबर डाला, तो देखिए ये कहाँ तक ही प्रिंट किया, यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था। ये देखिए 56 तक ही प्रिंट किया, मतलब 56 तक ही क्यों प्रिंट किया यार, ये तो मैंने यहाँ तक लिखा था, तो यहाँ इससे प्रिंट नहीं किया क्योंकि इसके रेंज से बाहर हो गया। अब ये डबल के रेंज में आ गया, तो अब कैसे उसको हम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके बाद में फंक्शंस को थोड़ी देर के लिए रोक के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताऊंगा। तो चलिए, आई होप कि ये वाला वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो और समझ आ गया होगा। ऐसा हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दीजिए, और आगे वाले लेक्चर्स को इंजॉय करिए। थैंक यू।